मैं यहां और मेरे जैसे कितने सारे क्रिएटर्स आएंगे, बोलेंगे, चले जाएंगे। इन्फिनिक्स का नोट 11, जी हाँ, इसे इस्तेमाल करते हुए मुझे काफी ज्यादा वक्त हो चुका है और एक लॉन्ग टर्म रिव्यू मैं अभी आपको दे सकता हूं कि इन्फिनिक्स नोट 11 कैसा है और डे टू डे यूसेज में ये कितना यहां पर कारगर साबित होता है और कितना बढ़िया है परफॉर्मेंस में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उसके पहले मैं यहां बताना चाहूंगा कि जो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऑन ए डीपर नोट्स मैं जाकर के इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया हूं और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि ब्रांड की तरफ से आया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज कंप्लीटली परचेज फ्रॉम माई ओन पॉकेट और जो भी चीजें बताऊंगा आपको दिल से बताऊंगा एज ए कंज्यूमर, नॉट एज ए रिव्यूअर। अगर इस बात पे अग्री करते हैं तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस पे जरूर क्लिक कर ले। तो इन्फिनिक्स नोट 11, मैंने इसे इस्तेमाल करके मुझे काफी ज्यादा वक्त हो चुका है। तो डेफिनेटली मैं एक चीज सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि जितने भी ब्रांड्स हैं उनको समझना चाहिए कि भाई इस प्राइस पॉइंट पे भी ऐसा बिल्ड क्वालिटी दिया जा सकता है, डिजाइन ऐसा बनाया जा सकता है। डिजाइन में अगर हम बात करें तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि आई एम इंप्रेस्ड विद इन्फिनिक्स नोट 11 डिजाइन। इन्फिनिक्स के नोट 11 डिजाइन जो यहां पर जो दिया गया है ये बहुत ही मार्वलेस है और मैट फिनिश के साथ आता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे स्क्रैचेस वगैरह नहीं आने वाले हैं और बहुत ही बढ़िया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो क्वालिटी, जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया बहुत ही जबरदस्त है। तो बिल्ड और फिनिशिंग में डेफिनेटली आई विल गिव एटलीस्ट, अगर मुझे 10 में से पॉइंट देना हो ना तो 8.5 नंबर तो दूंगा ही दूंगा, क्योंकि जिस प्राइस पे है उसके हिसाब से अगर देखा जाए 12,500 रुपए में, तो भाई साहब डिजाइन और बिल्ड में कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज इन्फिनिक्स ने नहीं किया है और साथ में एक ये कवर भी मिल जाता है आपको। चलिए मुद्दे की बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो जो आपको स्पेसिफिकेशंस मिलता है एक गो थ्रू कर लेते हैं फटाफट, क्या क्या मिलता है। 33 वॉट का इसके अंदर आपको चार्जर मिलता है, 5000 एमएएच की बैटरी मिलती है, 50 मेगापिक्सल का इसके अंदर आपको कैमरा मिलता है और सामने में 16 मेगापिक्सल का कैमरा, 4GB का इंटरनल स्टोरेज, 64GB का यहां पर, माफ कीजिएगा, 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज। यहां पे आपको DTS स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, 7.9mm स्लिम है, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और यहां पे MediaTek का G88 का चिपसेट आपको मिल जाता है। तो ओवरऑल पूरा पैकेज जब हम देखते हैं तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि हाँ भाई सब कुछ इसके अंदर है, लेकिन जब यहाँ पे डे टू डे यूसेज आप कीजिएगा तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि भाई साहब इसका जो XOS जो है, जो UI है, वो कहीं ना कहीं MediaTek G88 इसे कंप्लीटली झेल नहीं पाता है। फीचर्स नो डाउट इतने सारे दिए गए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन टेक्निकली अगर हम बात करें तो जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ इन्फिनिक्स को ही इसके लिए ब्लेम करें। यहां पर बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने पास्ट में ऑलरेडी यहां पर ऐसे कारनामे किए हुए हैं। Realme और Redmi दोनों ही यहां पर पास्ट में ऐसे कारनामे किए हैं जहां पर उनका UI जो होता है प्रोसेसर अच्छे से उसको झेल नहीं पाता है। तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि इसके अंदर थोड़ा सा ये चीज प्रॉब्लम है। ये पहले की मैं बात कर रहा हूं, जब एक अपडेट आया था उसके पहले की बात। अब अपडेट के बाद के बारे में बात कर लेते हैं। तो अपडेट के बाद यहां पर एक फीचर इनेबल किया गया इसके अंदर जो कि था मेम फ्यूजन। जी हाँ, वर्चुअली रैम इसके अंदर आप बढ़ा सकते हैं और लगभग 3GB, तो 4GB तो आपको मिल जाता है इनसाइड द फोन और 3GB इस पे आप वर्चुअली और बढ़ा सकते हैं मेमोरी रैम को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो जब मैंने इसे इंक्रीज किया 4+3GB टोटल 7GB हो गए, तो पहले जो रैम मैनेजमेंट थोड़ा पुअर था वो बेटर हो गया, यहाँ पे मेमोरी में रखने लगा सिस्टम एप्स को। साथ ही साथ एक और चीज में अगर बोलूंगा कि यहाँ थोड़ा सा मुझे बेहतर लगा कि हाँ पहले के कंपैरिजन में UI यहाँ थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो गया है, थोड़ा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। हाँ, काफी बार मुझे ऐसा फील हुआ, डेफिनेटली ये फील होगा मुझे, इसके पीछे एक कारण है क्योंकि ये जो चीज मैं बताऊंगा आपको, जब मैं 12,000-15,000 रुपए के सेगमेंट के फोन यूज करता था तब मुझे वो सारे के सारे फोन अच्छे लगते थे, लेकिन अभी मैं इस चीज को इसलिए बता पा रहा हूँ, थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर पा रहा हूँ, क्योंकि जब आप फ्लैगशिप लेवल का 700, 800, 900 सीरीज का जब आप यहाँ पे चिपसेट यूज करते हैं, 800 सीरीज में स्नैपड्रैगन की बात कर रहा हूँ और 900 और 1200 सीरीज का मैं मीडियाटेक डायमेंसिटी की बात कर रहा हूँ, जब ये चिपसेट्स आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको लगेगा सामने वाला जो फोन होता है वो लगेगा कि थोड़ा स्लो रिस्पॉन्सिव है। बट यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि UI खराब है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई साहब ये बेकार चिपसेट है, नहीं, यहाँ पे परफॉर्मेंस बढ़िया है। 12,500 रुपए की कीमत में आपको देखना होगा प्राइस, मोटोरोला का G51 भी आता है इससे 2,500 रुपए के ऊपर के प्राइस में, बट 2,500 रुपए मैटर करता है जहां तक मुझे पता है पर्सनली, कि जो यहाँ पर जो इस प्राइस सेगमेंट में जाते हैं फोन को लेने के लिए उनका बजट बहुत ही ज्यादा टाइट होता है, तो डेफिनेटली 2,500 रुपए मैटर करता है। तो उसके हिसाब से 12,500 रुपए में अगर मैं देखने जाऊं तो इन्फिनिक्स यहाँ पे बेटर किया हुआ है, लेकिन बेस्ट हो सकता है अगर इन्फिनिक्स यहाँ पर और सॉफ्टवेयर में यहाँ पर अपडेट्स पुश करे तो UI और ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो सकती है और बेटर हो सकता है।
हाँ, इस फोन को मैं गेमिंग फोन का दर्जा नहीं दे सकता हूँ, ना ही इसके अंदर मैं बैटल ग्राउंड आपको खेलने के लिए रेकमेंड करूंगा। खेल सकते हैं आप, बट गेमिंग फोन नहीं है ये, ना ही गेम इसके अंदर उस लेवल के आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ठीक है कि हाँ भाई G88 है, यहाँ पे डज द जॉब, इट्स ब्रिलियंट, फैंटास्टिक। इसका जो सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है वो है इसका एमोलेड डिस्प्ले। डिस्प्ले की जो क्वालिटी है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई चीप डिस्प्ले है, फालतू डिस्प्ले है, बढ़िया नहीं है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं है, बहुत तरह की चीजों का बात किया जा रहा है। तो वो गौर फरमाइएगा इस बात को, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि डिस्प्ले जो है यहां पर, ये एक अफोर्डेबल रेंज का एमोलेड डिस्प्ले है और ये फुल HD है। इसके अंदर 750 nits का आपको ब्राइटनेस लेवल मिल जाता है। तो इंडोर हो, आउटडोर हो, कहीं पर भी आप जाते हैं तो ब्राइटनेस लेवल जो आपको मिलेगा बहुत ही शानदार है। कलर्स बहुत ही ज्यादा पंची है, बहुत ही विविड है, ब्राइट है। मुझे कलर प्रोडक्शंस में या फिर अगर मैं ब्राइटनेस लेवल की बात करूं तो मुझे कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं आपको डिफरेंशिएट सामने ही कराना चाहूंगा कि इसमें जो ऊपर का जो ग्लास दिया हुआ है, सर्टेन टाइम्स इट डज नॉट फील लाइक ग्लास, बिकॉज आप सुन सकते हैं, और वही एक इन्फिनिक्स का यहां पे नोट 11S है। तो देयर इज अ डिफरेंस इन द साउंड, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो चेंजेस है ऊपर वाले लेयर में चेंजेस है। हाँ, यहां पर एमोलेड डिस्प्ले, तो बट ऑब्वियस है कि जो आपको फ्लैगशिप लेवल में जो एमोलेड मिलता है वो वाला एमोलेड तो कंपनी देगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज को प्राइस की नजर से देखा जाता है। प्राइस की नजर से और उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इन्फिनिक्स नोट 11 के अंदर जो यहाँ एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, दैट इज रियली गुड, रेस्पॉन्सिव है, बहुत ही बढ़िया है। एंटरटेनमेंट अगर आप कंज्यूम करते हैं, वीडियोस वगैरह देखना पसंद करते हैं, तो किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही शानदार है एमोलेड डिस्प्ले, नो डाउट आई एम रियली इंप्रेस्ड विद द एमोलेड डिस्प्ले। अगली बात कर लेते हैं इसके अंदर कॉल क्वालिटी को लेकर के। तो लॉन्ग टर्म यूसेज में मैंने यहाँ इस्तेमाल किया, डे टू डे, हर दिन मेरे रोजमर्रा की लाइफ में, मतलब जम करके मैंने इस्तेमाल किया, हर एक कॉल्स अटेंड किए, सारा कुछ। तो इसके अंदर मैंने एक चीज देखा कि भाई कॉल क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क रिसेप्शन में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखी, नेटवर्क हमेशा रहता था, प्रॉपर नेटवर्क रहता था। लेकिन यहां पर एक चीज जो मुझे प्रॉब्लम दिखी, दैट वॉज कि 12,500 रुपए के प्राइस में करियर एग्रीगेशन होना चाहिए था, तो करियर एग्रीगेशन इस फोन में नहीं है। अब करियर एग्रीगेशन नहीं होने की वजह से तो थोड़ा डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड जो होता है जब आप यहाँ पे इंटरनेट पे कंज्यूम करते हैं, अब ऐसा नहीं है कि यूट्यूब आप प्ले कीजिएगा तो यूट्यूब बफर करने लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन कुछ स्ट्रीम कर रहा है नेटफ्लिक्स वगैरह और फुल तगड़ा वाला एकदम स्पीड आ रहा है तो आपका बफर करके चलेगा, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ अपलोडिंग और डाउनलोडिंग जब आप कंटेंट को करते हैं तब जाकर के आपको यहाँ पे लगेगा कि हाँ भाई करियर एग्रीगेशन अगर होता तो यहाँ पे थोड़ा बेटर अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड मिलती, तब वहां नेटवर्क इनहांस हो जाता है, जो कि इसके अंदर नहीं है। कॉल क्वालिटी के अंदर हम बात कर लेंगे तो कॉल क्वालिटी में मुझे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हुई, बहुत ही लाउड एंड क्लियर आवाज है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में चाहिए, चाहे किसी भी जगह चाहिए, इट्स रियली लाउड एंड क्लियर। बट नॉइज कैंसिलेशन माइक जो होना चाहिए इस प्राइस में वो इसके अंदर नहीं है। तो सर्टेन टाइम्स सामने वाले को, अब ऐसा नहीं है कि आप बात करोगे तो भाई सामने वाला बोलेगा, सर पकड़ करके बैठ जाएगा, भाई आवाज ही नहीं आ रही, सुनाई नहीं पड़ रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट 12,500 रुपए में नॉइज कैंसिलेशन ब्रांड को देना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया है। मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे रीजन है। आप लोग बोलोगे आप कुछ ज्यादा ही इसके ऊपर पॉजिटिव होकर के चीजों को बोल रहे हो। पहली चीज ये है कि आप अगर 12,500 रुपए के प्राइस में देखने जाएंगे तो भाई साहब अभी के समय में अगर इस प्राइस में आपको एमोलेड डिस्प्ले कौन दे रहा है, कोई नहीं दे रहा। जब आप कोई चीज लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज हमेशा रहता है, हर ब्रांड करती है। यहां पर सबसे बड़ी चीज आप देख सकते हैं कि इस फोन में आपको जो मिलता है डॉल्बी डीटीएस, दो स्पीकर्स, वो भी ऐसा कोई मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ काम चलाओ, बहुत ही फाड़ू है, जबरदस्त लाउड एंड क्लियर है, तो ऑडियो क्लैरिटी क्लियर है। यहां पर एमोलेड डिस्प्ले दिया हुआ है, करियर एग्रीगेशन नहीं है, बट अगर आपका कवरेज अच्छा है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। कितने सारे लोग हैं जो कि वीडियोस को यहाँ पे अपलोड करते हैं, सारे के सारे क्रिएटर्स हैं। नॉर्मली यहाँ पर इंसान यूट्यूब पे वीडियोस को वॉच करता है। हाँ, इसमें एक चीज जरूर है कि करियर एग्रीगेशन रहने से आपका नेटवर्क इनहांस हो जाता है, जो कि थोड़ा बहुत इसके अंदर दिक्कत दिखेगी। बट एमोलेड दिया है, स्टीरियो स्पीकर्स दिया है, तो कहीं ना कहीं तो कटौती करेगी। 33 वॉट का चार्जर है इसके अंदर, जो कि 1 घंटे 40 से 50 मिनट के बीच में ये फुल चार्ज कर देता है 5000 mAh की बैटरी को। ओवरऑल मैं अगर पर्सनली बात करूं 12,500 रुपए में, अगर टाइट बजट के साथ चल रहे हैं, मतलब भयंकर वाला टाइट बजट है, इसके ऊपर नहीं जा सकते हैं, तो उस केस में ये इन्फिनिक्स का नोट 11 यहाँ पर कंप्लीटली जस्टिफाइड है अपने प्राइस पर। कैमरा भी डिसेंट यहाँ पर इमेजेस ले लेता है,
मैं बहुत जबरदस्त नहीं बोलूंगा कि भाई एकदम आउट ऑफ द बॉक्स जबरदस्त वाला कैमरा यहाँ पर इमेजेस निकाल करके देता है, कैमरा डिसेंट इमेजेस लेता है अपने प्राइस के हिसाब से, अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है, डायनेमिक रेंज वगैरह थोड़े बहुत गड़बड़ मेरे को कभी कभी लगे, बट ये सारी चीजें ऐसी है कि इन्फिनिक्स के हाथ में है, एक अपडेट पुश करके इन चीजों को फिक्स किया जा सकता है। मेम फ्यूजन आने के बाद थोड़ा सा परफॉर्मेंस इनहेंस हुआ है और यहाँ पर आपको बेटर थोड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो ओवरऑल 12,500 रुपए में इन्फिनिक्स नोट 11 मुझे ठीक लगा, विथ एमोलेड डिस्प्ले, विथ डुअल स्पीकर जो कि स्टीरियो स्पीकर्स है इसके अंदर, विथ डीटीएस, 33 वोल्ट का चार्जर और मीडियाटेक का G88 का चिपसेट। ड्रॉबैक्स जो है, नॉइज कैंसिलेशन नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर आपको करियर एग्रीगेशन नहीं मिलता है। ये दो ऐसी चीजें हैं शायद आपके लिए डील ब्रेकिंग हो सकता है कि भाई नहीं लूं इस कारणवश से, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लोग, मुझे जहां तक पता है, मैंने पर्सनली जब लोगों से पता किया तो मुझे पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग भाई इन्फिनिक्स नोट 11 लेकर के खुश है, बिल्ड, डिजाइन, कैमरा सभी कुछ लेकर के। और एट द एंड ऑफ द डे यही मैटर करता है कि जब आप फोन लेते हैं तो आप कितने संतुष्ट है। आप, मैं यहां और मेरे जैसे कितने सारे क्रिएटर्स आएंगे, बोलेंगे, चले जाएंगे, बट एंड ऑफ द डे मैटर करता है आप। आपको अगर प्रोडक्ट पसंद आ गया है तो बात वही खत्म। ओवरऑल ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर बिना सब्सक्राइब की मत जाइएगा, क्योंकि मैं समझ लेता हूं वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।